हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज 30 सितंबर 2022 और फाइनली आज से यूपी बीएड फेस वन की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी रैंक से कितनी रैंक तक वालों की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है, यानी कि आज से किन की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन कब तक होगा फेस वन का, चॉइस फिलिंग कब तक होगी, अलॉटमेंट रिजल्ट इसका कब आएगा और लास्ट फीस आपको कब जमा करना है, काउंसलिंग फेस डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और कितने कॉलेज आपको लॉक करना है, ये भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और जिनका जो है अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है यूजी पीजी का और उनका जो है फेस वन में काउंसलिंग था, तो वो लोग अपनी काउंसलिंग कैसे करेंगे इसका भी सलूशन आपको बताऊंगा और बीएड की काउंसलिंग कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इसका भी सलूशन आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं बता दूं बीएड की पल की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, ठीक है। काउंसलिंग कैसे किया जाता है इसकी भी वीडियो आएगी, प्रॉपर वीडियो आएगी, फुल वीडियो आएगी। एंड जैसे ही आपका काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन हो जाने के बाद बीएड में आपका जो है जब एग्जाम होगा तो उसमें कॉपी कैसे लिखी जाती है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाती है, टीचिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है और सबसे बड़ा टैट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, कितने अंक लाने पड़ते हैं, तो ये भी आपको बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूं, उसी तरह आपको भी बताऊंगा और आप लोग मात्र 2 से 3 महीने में पढ़कर सीटेट यूपीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आज से किनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जिनकी भाई स्टेट रैंक 1 से 75,000 के बीच में है उनकी काउंसलिंग फेस वन में यानी कि आज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग दोनों आप लोग एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट देख सकते हैं आप लोग, फेस वन की जो है काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है। आप लोग आज से और 7 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हैं, ठीक है। 30 तारीख से 7 तारीख के बीच में चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा मतलब वेट नहीं करना है, आज या कल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अपना कर देना है, चॉइस फिलिंग भी साथ में कर देना है, ठीक है। तो 7 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एक दिन का और मौका दिया जा रहा है चॉइस फिलिंग का, 8 तारीख को और भी आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि जैसे चॉइस फिलिंग नहीं किए केवल आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो चॉइस फिलिंग आप लोग 8 अक्टूबर को कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम आपको 15+ कॉलेज लॉक करने हैं, ठीक है, चाहे आपकी रैंक कितनी भी अच्छी हो, ठीक है, 15+ रैंक, ओके, सॉरी 15+ कॉलेज आपको लॉक करने हैं। वैसे तो जिनका भी फेस वन में काउंसलिंग है उन सभी को कॉलेज मिलेगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज मिले चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और हाँ, जिनकी स्टेट रैंक 12-13 हज़ार भी है ना, वो लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज लॉक करेंगे, ठीक है, 15,000 से ऊपर वाले नहीं लॉक करेंगे, उनको नहीं मिलेगा कॉलेज, ओके। तो सभी लोगों को कॉलेज मिलेगा फेस वन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 9 अक्टूबर को, यानी कि जितने भी कॉलेज आप लोग लॉक किए हैं उसमें से एक कॉलेज आपको मिल जाएगा 9 अक्टूबर को। अब जैसे उसमें आप लोग एडमिशन अपना कराना चाहते हैं तो आपको अपनी फाइनल फीस जमा करनी पड़ेगी यहाँ पे 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख के अंदर, 4 दिनों के अंदर अपना जो है बकाया फीस जमा करना पड़ेगा। जैसे आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो 2,500 से 3,000 फीस होगी और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होगी टोटल होती है फीस 51,250 और इसमें से आपका जो है ले लिया जाता है 5,000 एडवांस, यानी कि 5,650 आपकी लगेगी काउंसलिंग की फीस। तो इसमें से 5,000 और इसमें माइनस कर दीजिए 51,250 से, तो आपका बचा कितना 46,000, ठीक है। तो 46,000 आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक 46,000 जैसे प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है नहीं जमा करेंगे तो आपका जो है एडमिशन नहीं माना जाएगा। और हाँ, काउंसलिंग फीस जो लगती है 5,000, ठीक है, ये कॉलेज की एडवांस फीस होती है। सपोज अगर आपको कॉलेज मिल जाता है उस कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है, तब आपका वो पैसा वापस होगा। तो ये फेस वन का प्रोसेस है, ठीक है, सारा प्रोसेस मैं बता दिया हूँ कब से कब तक होगा। और फेस टू में जो है जिनकी रैंक 75,000 1 से 2 लाख के बीच में उनकी फेस टू में होगी काउंसलिंग, और फेस थ्री में जिनकी जो है 2 लाख 1 से 3 लाख 50 हज़ार के बीच में उनकी फेस थ्री में होगी, और फेस फोर में यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी रैंक 3 लाख 50 हज़ार 1 से उससे ऊपर कितनी भी हो, 4 लाख 5 लाख 6 लाख, ठीक है, तो उनकी रैंक फेस वन में होगी। तो इसकी भी डेट बता दूंगा। तो फेस वन की जो काउंसलिंग चलेगी डियर, ये जो है चलेगी 13 अक्टूबर तक, ठीक है, 13 अक्टूबर तक चलेगी और 9 अक्टूबर से जो है ये स्टार्ट हो जाएगी फेस टू की भी काउंसलिंग, ठीक है। फेस टू की काउंसलिंग 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 9 अक्टूबर के ही जो है फेस टू के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं आज अपडेट भी आई है, ठीक है, यूपी बीएड काउंसलिंग की, कि बीएड काउंसलिंग 2,450 कॉलेजों की 2,40,000 जो है सीटें आज से होंगी लॉक। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि 1 से ज़्यादा कॉलेजों का चयन करना होगा, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है आदेश आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉलेज लॉक करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएड की काउंसलिंग 31 अक्टूबर तक चलेगी, इस बीच 10 अक्टूबर से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। कुलसचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि पूल काउंसलिंग 7 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी और डायरेक्ट काउंसलिंग की तिथि 21 नवंबर से 25 नवंबर तक रखी गई है। शुक्रवार से काउंसलिंग शुरू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके तहत पहली काउंसलिंग में सीट आवंटित न होने पर कॉलेजों को शुल्क वापस करना होगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जो है ऑनलाइन अपलोडिंग के समय बैंक खाता संख्या और नाम हो गया पासबुक के पहले पेज की फोटो या कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करनी होगी, ठीक है। ये तो बैंक पासबुक आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ये चेक कॉपी, ठीक है। उन्हें मूल अंग तालिका अपलोड करने होंगे, ठीक है। लॉगिन और पासवर्ड भूलने की स्थिति में कहीं
जो है सुरक्षित नोट करने या दोबारा जनरेट करने का सुझाव दिया गया है। अभिलेख अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को सजग रहना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो एक तो आपका जो है बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज लगेगा, ठीक है, अपना दे सकते हैं, मम्मी पापा का भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका अपेयरिंग वाला रिजल्ट लगेगा, जैसे आप लोग अपेयरिंग में इसका फॉर्म डाले थे ना, तो अपेयरिंग का इसका रिजल्ट जो है आपको डालना पड़ेगा फाइनल ईयर का। ओरिजिनल मार्कशीट जैसे आपकी नहीं आई है तो आपको जिस कॉलेज से आप लोग अपना ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब जिस भी बेस से आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए थे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसको जो है आपको अटेस्ट करवा के मार्कशीट में नेट से निकलवा लीजिएगा मार्कशीट, उसको अटेस्ट करवा के ही अपलोड करिएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा आपका, ठीक है। और जिनकी भाई रैंक अच्छी है फेस वन में, जिनका काउंसलिंग होने जा रहा था, उनका जैसे अभी रिजल्ट नहीं आया है तो वो लोग कैसे क्या करेंगे, तो डियर आप लोग वेट करें जब तक कि यहाँ पर डेट है। डेट यहाँ पे देखिए फेस वन की कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन आपका 7 अक्टूबर तक होगा। अगर 7 अक्टूबर तक आ जाता है तो आप लोग तो काउंसलिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट जो है पूल काउंसलिंग में अपनी काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, पूल काउंसलिंग में, ठीक है, इनमें किसी भी फेस में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ओके। तो बिना रिजल्ट के डियर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में लगभग सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, किनकी होगी, रजिस्ट्रेशन कम से कब तक होगा, चॉइस फिलिंग अलॉटमेंट कब आएगा, काउंसलिंग फीस डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया हूँ, ठीक है, और इतने कॉलेज लॉक करना है ये भी बता दिया हूँ, जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी बता दिया हूँ। बीएड की काउंसलिंग अभी दोपहर में वीडियो आएगी, ठीक है, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आए आपको तुरंत मिल सके। अब आपकी काउंसलिंग हो गई है, बीएड की डेली न्यूज़ आपको मिलेगी हमारे चैनल से, बस सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, इस चैनल से डियर आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, सब ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे।